हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा दो रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल प्लस 1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पर मैंने 17 फंदे लिए हुए हैं। ये डिज़ाइन हमारा 8 लाइनों का है, सीधी तरफ से शुरू होगा। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड, पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है फर्स्ट कलर से। तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने सीधी सीधी बुनी है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की सेकंड रो। डिजाइन की सेकंड रो को पूरा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। ये हमारी उल्टी साइड है, फिर भी हमने सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की थर्ड रो। अब यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम सेकंड कलर लगाएंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है। तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर से तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, और एक फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। फिर से तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, और एक फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। फिर से तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, और लास्ट के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की फोर्थ रो। पहले फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। जो फंदे हमने इधर स्लिप किए थे थर्ड रो में, इधर भी हम स्लिप करेंगे। धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स, धागे को आगे पीछे करना हमने नहीं भूलना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करके तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे डिजाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में डिजाइन की फिफ्थ रो। फिर से हम फर्स्ट कलर को लाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये तीन फंदे जो हमने सीधे बुने थे, अब हमने बीच वाले फंदे को स्लिप करना है और तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग के दो फंदों को हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे और एक फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। फिर तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं, एक दो तीन, और एक फंदा हम पर्लवाइज ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर से तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये रखना है कि ये तीन फंदे हैं, बीच वाले फंदे को हमने स्लिप करना है। फिर से तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। लास्ट में दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की सिक्स रो। दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। जो फंदा हमने इधर स्लिप किया था, इधर भी हम स्लिप करेंगे। धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करके तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे।
धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और लास्ट में दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में भी दो फंदे हमने सीधे बुने हैं और लास्ट में भी दो फंदे हमने सीधे बुने हैं। तो यहाँ पे 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की 7th रो। डिजाइन की 7th रो को हमने 3rd रो की तरह बनाना है, जैसे हमने ये वाली रो बनाई थी। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक फंदे को हमने स्लिप कर लिया था, उसके बाद 3 फंदे हमने सेकंड कलर से सीधे बुने थे। यहाँ पे हम 3rd रो को फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, एक फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। सेम 3rd रो की तरह हम बना रहे हैं, एक फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फ्रेंड्स, ध्यान ये रखिएगा, ये जो 3 फंदे हैं, बीच वाले फंदे को हमने स्लिप करना है। बीच वाला फंदा, इसको हम स्लिप कर लेंगे और फिर से 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और लास्ट में एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। यहाँ पे 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 8th रो। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 8th रो बन के कम्प्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 लाइनों में डिजाइन बन के हमारा कम्प्लीट हो गया है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देती हूँ। यहाँ पे हम 1st रो को रिपीट कर रहे हैं, सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। यहाँ पे 1st रो बन के हमारी कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। यहाँ पे हम 2nd रो को रिपीट कर रहे हैं, बैक साइड है, सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो यहाँ पे 2nd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, जब आप इन 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बनके कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बनके बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।